नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान हो गया है। राजनाथ सिंह मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी में कुल 27 सदस्य होंगे। निर्मला सीतारमण को समिति का संयोजक बनाया गया है। पीयूष गोयल समिति के सह संयोजक बनाए गए हैं। समिति में एमपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव समिति में शामिल हैं, तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी समिति के सदस्य होंगे। आपको बताएं, मैनिफेस्टो कमेटी का आज ऐलान हुआ है। 27 सदस्य जो है इसमें शामिल किए गए हैं। निर्मला सीतारमण संयोजक बनाई गई हैं, तो पीयूष गोयल इसके सह संयोजक बनाए गए हैं। आपको बताएं, बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान कर दिया है और लोकसभा चुनाव में मैनिफेस्टो को ये तैयार करेगी पूरी कमेटी। 27 सदस्यों का चयन इस कमेटी के लिए किया गया है। अगर बात की जाए तो संयोजक निर्मला सीतारमण को इसका बनाया गया है, वहीं सह संयोजक पीयूष गोयल इसके बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों ही मुख्यमंत्रियों को इस समिति में शामिल किया गया है। अब मैनिफेस्टो किस तरह से रहेगा, क्योंकि जो बैठकें लगातार केंद्र की तरफ से की गई हैं, उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल का जो रोड मैप है वो भी इसमें देखने को मिलेगा। ये बात खुद प्रधानमंत्री की तरफ से भी सामने आई और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका जिक्र किया कि जब हम मैनिफेस्टो को पेश करेंगे तो उसमें कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे होंगे जिनका जिक्र आपको देखने को मिलेगा और उसको लेकर एक समिति बनाई गई है। 27 सदस्यीय समिति है जो इस मैनिफेस्टो को तैयार करेगी। और बात की जाए एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, तो दोनों ही मुख्यमंत्री इस समिति में शामिल किए गए हैं। निर्मला सीतारमण इसकी संयोजक बनाई गई हैं, पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी अजय मेरे साथ जुड़ गए। अजय, जिस तरह से बीजेपी लगातार कहती है कि मैनिफेस्टो इस बार का बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अगले 5 और 10 साल का रोड मैप, बल्कि 2047 तक की बात की कही गई है, उस मैनिफेस्टो की आज समिति बनाई गई है। कौन कौन का नाम इसमें शामिल किया गया, किस तरह से ये समिति काम करेगी? अब देखिए, लोकसभा चुनाव, ऐसे में जनता को साधने के लिए और मध्य प्रदेश सहित देश भर की जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, क्योंकि देश में 2047 तक का विजन प्रधानमंत्री मोदी ने सेट कर दिया है। चाहे वह आर्थिक पहलुओं पर देखे, चाहे देश को आर्थिक स्थिति में खड़ा करना हो, चाहे विदेश नीति को लेकर हो, चाहे महंगाई बेरोजगारी की बात हो, 2047 तक का वक्त निर्धारित किया गया है जब देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। उसी को लेकर अब चुनाव घोषणा समिति, लोकसभा चुनाव के चुनाव घोषणा समिति के जो गठन के लिए जो सदस्य हैं उनके नामों का ऐलान किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये सूची जारी की है, जिसमें राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और उसके साथ भूपेंद्र यादव, अर्जुन मेघवाल और उसके साथ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान के नाम शामिल हैं। तो साफ तौर पर है, इन जो नाम में जिनका नाम शामिल है उनसे बातचीत करेगी कमेटी, और वो कमेटी जो है, जो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो चाहे अलग अलग राज्यों के जिन नेताओं का नाम शामिल किया गया है, वो घोषणा समिति में कौन कौन से पहलू होंगे, चाहे महंगाई बेरोजगारी, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे समाज में अन्य योजना क्रियान्वयन करने की बात हो, क्योंकि मोदी की गारंटी, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है, उन मोदी की गारंटी के आश्रय लोकसभा का चुनाव जनता को साधने की कोशिश, और साफ साफ पीएम मोदी ही गारंटी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अलग अलग मंचों से यह साफ कर दिया है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की बात हो, चाहे योजनाओं की बात हो, क्योंकि केंद्र की कई योजनाएं ऐसी हैं, चाहे वह उज्ज्वला योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, चाहे आगे किस तरह से रोड मैप तैयार किया जाए, इसको लेकर भी इस समिति में निर्णय तय किए जाएंगे। आपके पास लौटेंगे अजय। तो बीजेपी ने अपनी अब मैनिफेस्टो समिति को उसका ऐलान भी कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी ज्वाइन कर रहे कांग्रेसियों पर जमकर हमला बोला। पटवारी ने कहा कि अवसरवादी और कमजोर नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, संघर्ष के समय में जो संघर्ष करने से डर रहे हैं उनका जमीर मर चुका है।
उनके बयान पर बीजेपी ने पलटवार कहा किया और करते हुए कहा कि बीजेपी में हर कार्यकर्ता को क्षमता अनुसार जिम्मेदारी दी जाती है। विचार पीसीसी चीफ को करना चाहिए कि उनके अध्यक्ष बनते ही इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने पार्टी क्यों छोड़ दी है, इस पर सवाल भी बीजेपी ने अब खड़ा किया है। मैं तो दुख होता है मुझे, इतने सीनियर मोस्ट कांग्रेस के जो पुराने साथी थे, परिवार के लोग थे, हमारे साथ ही काम करते थे, कि कोई उनको कह रहा है कि खोटे सिक्के थे हमें लेना पड़ रहा है, कोई कह रहा है कि कचरे से उनकी तुलना कर रहा है, कोई बेर मीठे बेर जैसे टपक रहे हैं इस तरह की बातें कर रहा है। अमित शाह जी का हवाले से भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि 15 साल वालों का कुछ नहीं हुआ, इनका क्या हो सकता है, कि जनता इनको सबक सिखाएगी, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। पूरे देश में तांडव मचा रखा है, देश देख रहा है, समझ रहा है, सोच रहा है कि ये था लोकतंत्र का सुनहरा पल। देश देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता की उपयोगिता के अनुरूप संगठन पद देता है, दायित्व देता है और लगातार उनकी भूमिकाओं में परिवर्तन भी करता रहता है। यह कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति और मानसिकता होगी कार्यकर्ताओं में भेद करने की, वंशवाद की बेल से आने वाले कार्यकर्ताओं को दूसरे समीकरणों के साथ देखने की और सामान्य पृष्ठभूमि के लोगों को दूसरे समीकरणों के साथ देखने की काम है और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता है। उसी मनोभाव के साथ हमारी पार्टी आगे बढ़ती है। विचार जीतू पटवारी जी को इस प्रकार आरोप लगाने से पहले करना चाहिए कि आज उनके अध्यक्ष ही रिकॉर्ड स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का त्याग क्यों कर। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी अजय लगातार बने हुए हैं। अजय, कांग्रेस से आने और बीजेपी में जाने, इसके इर्द गिर्द मध्य प्रदेश में समय सियासत नजर आ रही है और इसी के चलते जुबानी जंग जो है वो भी तेज हुई है, हमला भी लगातार दोनों तरफ से हो रहा है, किस तरह से बयानबाजी की जा रही है। में जिस तरह से कांग्रेस के नेता, पुराने नेता, जो पुराने दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो सालों से कांग्रेस का झंडा बुलंद करते थे, पार्टी के लिए काम करते थे, वो नेता अब कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। अब उसी को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि ये अवसरवादी नेता है जो चुनाव के वक्त जब उन्हें संघर्ष करना चाहिए वो कांग्रेस का दामन छोड़कर जा रहे हैं और उनका भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता जो शामिल हो रहे हैं उनका अपमान हो रहा है, क्योंकि पहले भी चाहे वो जीतू पटवारी की बात हो चाहे अलग अलग नेताओं का बयान अगर सुने तो उनका कहना है कि चाहे वह गोपाल भार्गव का बयान सुन ले, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुन ले, जिस तरह से पके बैर की तरह उन नेताओं को कहा है जो कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो तमाम जो बयानबाजी हो रही उसको लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि उन नेताओं का अपमान हो रहा है जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और चुनाव के वक्त में जिन्हें संघर्ष करने से डर लगता है, जो डरते हैं, संघर्ष नहीं करना चाहते, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी भी शुरू है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि गंगा की तरह है, गंगोत्री की तरह भारतीय जनता पार्टी है, जो राष्ट्रवाद के लिए काम करना चाहता है, जो राष्ट्र की प्रगति के लिए काम करना चाहता है, जो मोदी के विचारों से सहमत है, उनका स्वागत है और पार्टी उन्हें सम्मान भी देती है और काम भी देती है। तो दोनों पार्टी में जुबानी जंग जरूर है, लेकिन लोकसभा का चुनाव, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और कांग्रेस के जो नेता छोड़कर जिस तरह से दामन छोड़कर उनका जा रहे हैं, उनके लिए राह बेहद मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अलग अलग करने की भी जरूरत है, चाहे वो छिंदवाड़ा हो चाहे महाकौशल। तमाम जानकारी साझा करने के लिए चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम स्वेच्छानुदान को चुनाव आयोग की मंजूरी मिल गई है, भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धूमधाम से रंगपंचमी मनाई गई है, गैर में जन सैलाब भी उमड़ा है। गैर के बाद इंदौर में सफाई अभियान भी तेज हो गया है, जो पहचान है इंदौर की, पिछली बार अगर पिछले साल की बात भी की जाए तो इंदौर में होली के बाद, रंगपंचमी के बाद चंद घंटों में जिस तरह से सफाई की जो तस्वीरें देश भर में सामने आई थी, जिन तस्वीरों ने चौंकाया था, अब उन्हीं तस्वीरों की तरफ इंदौर आगे बढ़ गया है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैर के बाद सफाई तेज कर दी गई है, जमकर रंग गुलाल बरसा है, लेकिन जो प्रशासन अमला है नगर निगम का, वो इस समय लगा हुआ है किस तरह से इंदौर को साफ स्वच्छ, जो इसकी पहचान है, उसकी तरफ आगे बढ़ाने के लिए अमला जो है नगर निगम का, वो लगातार लगा हुआ है। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी शिवमोहन मेरे साथ जुड़ गए। शिवमोहन, इंदौर की जो पहचान है और जिन तस्वीरों ने पिछली बार सबको आश्चर्यचकित कर दिया था कि चंद घंटों पहले जिस तरह से इंदौर शहर में रंग गुलाल देखने को मिल रहा था, क्या कुछ इस तरह की तस्वीरें भी इस बार नजर आएंगी? अभी क्या हाल है वहां?
देखिए जो इंदौर है वह अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है। इंदौर में जो है सफाई महत्वपूर्ण रहती है, जिसकी वजह से इंदौर ने लगातार 7 बार अपना परचम लहराया है। जैसे ही गेर निकली, गेर निकलने के चंद मिनटों के बाद ही इंदौर के नगर निगम ने अमला संभाल लिया और जो सफाई मित्र है वह मैदान में डट गए और राजवाड़ा पर सफाई की जा रही है। मेरे साथ कमिश्नर मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। सर, जो सफाई इंदौर हमेशा अपने स्वच्छता के लिए जाना जाता है, उसका एक और उदाहरण आज दिया जा रहा है कि क्यों जाना जाता है, क्यों हम नंबर बनाते हैं। देखिए, नगर निगम की पूरी टीम मौजूद होकर यहाँ सफाई में जुट गई है और हम लोग पूरे अपने शहर को वापस पूर्व अवस्था में साफ सुथरा कर देंगे। और आज बहुत ही ऐतिहासिक गेर का आयोजन भी हुआ है, काफी लोग पूरे उमंग के साथ सम्मिलित हुए हैं और मैं आपके माध्यम से सभी इंदौर वासियों को रंग पंचमी की और गेर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हम लोग अपने शहर को पुनः स्वच्छ कर लेंगे और इंदौर हमेशा नंबर वन रहेगा। मुख्यमंत्री भी आए, लाखों की तादाद में लोग आए, यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज के लिए इसको इंक्लूड करने की। बिल्कुल, देखिए जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ था और बहुत उमंग के साथ हम सभी लोग सम्मिलित हुए थे उस पूरे गेर के कार्यक्रम में। यूनेस्को के हेरिटेज जो टेंजिबल हेरिटेज का जो प्रोग्राम है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुआ है। इस बार हमारे स्मार्ट सिटी ने एक ऐप डेवलप किया है जिसके माध्यम से जो भी बाहर से आने वाले लोग हैं वो भी इसमें सम्मिलित हुए, उन्होंने अपना पंजीयन कराया और यहाँ के जो आवास है, घर है, उनकी बालकनियों में आके उन्होंने इसका लुत्फ उठाया है। वो सभी लोग बहुत आनंदित भी हुए हैं और निश्चित ही गैर हमारे इंदौर की शान है और हम सब लोग इस पे गर्व है। विदेशी पर्यटकों पर काफी इस बार जोर दिया गया, जो दूसरे सैलानी इंदौर से शहर से बाहर से आते हैं उन पर भी काफी जोर दिया गया था। बिल्कुल, वो सभी लोग आए, उन सभी लोगों ने गैर का आनंद उठाया है और उनको हम लोगों ने भी सहूलियत दी कि किस प्रकार से वो आके उनको जानकारी देना, उनको पंजीयन करना, उनको यहाँ पे एक उपयुक्त स्थान देना, इस सब की व्यवस्था भी की गई थी और सभी लोगों ने बहुत आनंद लिया इसमें। अभी सफाई में लगभग कितना अमला जुटा हुआ है, कितने लोग सफाई मित्र यहाँ लगे हुए हैं? हमारे पूरे शहर में हमारी स्वच्छता की जो टीम है वो लगी हुई है, यहाँ पर लगभग 500 लोग हैं। किस तरह से सफाई की जा रही है वो तो लगातार बताया ही जा रहा है, लेकिन जब वो तस्वीरें भी दिखाई है जो इंदौर को अलग बनाती है, किस तरह से वहाँ अब युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और वो सड़कें जो अभी आपने दिखाई थी, जरा एक और बार तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। जी हाँ, ये नगर निगम आयुक्त थे जिन्होंने बताया कि लगभग 500 कर्मचारी हैं, 500 सफाई मित्र हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कुंटल लगभग 100 किलो से ज्यादा की जो गुलाल आज उड़ाई गई है, रंग खेला गया है, उसको सफाई करने का सिलसिला है वह शुरू हो चुका है। हालांकि इस वक्त सफाई का माहौल है वह भी लगातार जारी है, लोगों में जो उत्साह है वह भी लगातार देखा जा रहा है, लोगों का जो हुजूम है वो भी इस वक्त राजवाड़ा पर आ रहा है। परंतु निगम ने अपने कार्य जो अपने निगम का जो कार था उससे शुरू करते हुए उन्होंने सफाई शुरू कर दी है। जो देख सकते हैं आप, कई सारी जेसीबीज हैं, टैंकर्स हैं, सफाई करने वाले वाहन हैं जो आ गए हैं और सफाई करने की उन्होंने शुरुआत कर दी है। राजवाड़ा चूंकि इंदौर शहर का हृदय स्थल माना जाता है, कुछ भी बड़ा आयोजन होता है बड़ी खुशी होती है, जिसको लेकर सभी लोग इंदौर के लोग राजवाड़ा पर एकत्रित हो जाते हैं। और इसके साथ ही इंदौर में भी आज भी राजवाड़ा पर जो बड़ा गैर का कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद हुए, इसके अलावा जो तमाम जो लोग हैं, लाखों लोग मौजूद हुए और इस बार यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में इसको इंक्लूड करने के सफलतम प्रयास किए गए और इस बार नगर निगम व प्रशासन के द्वारा विदेशी पर्यटकों को आकर्षण के लिए यहाँ पर काफी तरह से साधन उपलब्ध कराए गए थे कि जिससे विदेशी पर्यटक आए और इंदौर शहर में गैर का जो मजा है वह भी ले पाए। और इसके साथ जैसे ही गैर खत्म हुई, इंदौर के लोग, नगर निगम का जो अमला है वह मैदान संभाला और यहाँ पर लगभग 500 सफाई मित्र मैदान में उतरे और उन्होंने सफाई की शुरुआत कर दी है। थोड़ी सी देर में ही राजवाड़ा जो लगभग 5 घंटे गैर चली, 5 घंटे में जो कुंटल भर लगभग जो सफाई के जो होली खेलने के दौरान गुलाल या कलर उड़ा था वह चंद मिनटों में ही यहाँ पर साफ करके राजवाड़ा को पुनर्रूप कर दिया जाएगा। हालांकि जो राजवाड़ा की पुरानी इमारत है, जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी इसकी गवाही पेश कर रही हैं कि किस तरह से सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। शिवमोहन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इंदौर में धूमधाम से रंगपंचमी का पर्व मनाया गया है, पारंपरिक गैर में जन सैलाब भी उमड़ा, भारी भीड़ के बीच दिल जीतने वाली तस्वीरें भी सामने आई है, भीड़ ने एम्बुलेंस को रास्ता भी दिया है, इसकी देखिए तस्वीर भी आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ नजीर भी पेश की जाती हैं कि उत्साह है, हर्षोल्लास है, इसी बीच में जागरूकता अवेयरनेस भी लोगों में है, ना सिर्फ प्रशासक जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं इनकी व्यवस्थाओं को संभालने की, बल्कि वो लोग जो शहर के आम लोग हैं उनकी जिम्मेदारी भी है और वही नजीर पेश करती है तस्वीरें। इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आप देखेंगे तो यहाँ लोग नजर आ रहे हैं, उसी बीच में एक एम्बुलेंस को
ठीक वहां से रास्ता दिया गया और बड़ी भीड़ के बीच में से उसको निकाला गया। तो देखिए इंदौर आज पारंपरिक 75 साल से चली आ रही इस परंपरा को निभा रहा है और गैर आज बड़े धूमधाम के साथ निकाली गई। इसी बीच में कई अनोखी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें से एक तस्वीर ये भी है कि एम्बुलेंस को किस तरह से रास्ता दिया गया आम लोगों के द्वारा, ये भी आप देख सकते हैं। और देखिए आप जहां जहां तक नजरें दौड़ाएंगे हर तरफ आपको लोगों का जन सैलाब, लाखों की संख्या में लोग यहां नजर आएंगे। और इसी बीच एक एम्बुलेंस आपको नजर आ रही है जिसको आम लोग रास्ता दे रहे हैं, आगे निकाल रहे हैं ताकि किसी प्रकार की दुविधा, कोई परेशानी ना हो। ये जिम्मेदारी भी है और ये अवेयरनेस भी है जो लोगों की नजर भी आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे भोपाल से खबर, जहां सीएम स्वेच्छानुदान को चुनाव आयोग की मंजूरी मिल गई है। आचार संहिता में भी अब इलाज की रकम मिल सकेगी। सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति इसकी मांगी थी, अब मरीजों के इलाज में अड़चन खत्म होगी। बताएं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास लगातार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के इलाज में अड़चन वाली बात सामने आ रही थी, जिसके बाद सरकार ने चुनाव आयोग से इसकी अनुमति मांगी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सीएम सचिवालय को अनुमति भेज दी है, शामिल किया गया है। अब मैनिफेस्टो किस तरह से रहेगा, क्योंकि जो बैठकें लगातार केंद्र की तरफ से की गई हैं, उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल का जो रोड मैप है वो भी इसमें देखने को मिलेगा। ये बात खुद प्रधानमंत्री की तरफ से भी सामने आई और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका जिक्र किया कि जब हम मैनिफेस्टो को पेश करेंगे तो उसमें कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे होंगे जिनका जिक्र आपको देखने को मिलेगा, और उसको लेकर एक समिति बनाई गई है। 27 सदस्यीय समिति है जो इस मैनिफेस्टो को तैयार करेगी। और बात की जाए एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, तो दोनों ही मुख्यमंत्री इस समिति में शामिल किए गए हैं। निर्मला सीतारमण इसकी संयोजक बनाई गई है, पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी अजय मेरे साथ जुड़ गए। अजय, जिस तरह से बीजेपी लगातार कहती है कि मैनिफेस्टो इस बार का बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अगले 5 और 10 साल का रोड मैप, बल्कि 2047 तक की बात की कही गई है, अब उस मैनिफेस्टो की आज समिति बनाई गई है, कौन कौन का नाम इसमें शामिल किया गया, किस तरह से ये समिति काम करेगी? अब देखिए लोकसभा ना, और ऐसे में जनता को साधने के लिए और मध्य प्रदेश सहित देश भर की जनता क्या सोचती है, क्या चाहती है, क्योंकि देश में 2047 तक का विजन प्रधानमंत्री मोदी ने सेट कर दिया है, चाहे वह आर्थिक पहलुओं पर देखें, चाहे देश को आर्थिक स्थिति में खड़ा करना हो, चाहे विदेश नीति को लेकर हो, चाहे महंगाई बेरोजगारी की बात हो। 2047 तक का वक्त निर्धारित किया गया है जब देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी, उसी को लेकर अब चुनाव घोषणा समिति, लोकसभा चुनाव के चुनाव घोषणा समिति के जो गठन के लिए जो सदस्य हैं उनके नामों का ऐलान किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये सूची जारी की है, जिसमें राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और उसके साथ भूपेंद्र यादव, अर्जुन मेघवाल, और उसके साथ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान के नाम शामिल हैं। तो साफ तौर पर है इन जो नाम में जिनका नाम शामिल है उनसे बातचीत करेगी कमेटी, और वो कमेटी जो है, जो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो चाहे अलग अलग राज्यों के जिन नेताओं का नाम शामिल किया गया है, वो घोषणा समिति में कौन कौन से पहलू होंगे, चाहे महंगाई बेरोजगारी, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे समाज में अन्य योजना क्रियान्वयन करने की बात हो, क्योंकि मोदी की गारंटी, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है, उन मोदी की गारंटी के आश्रय लोकसभा का चुनाव जनता को साधने की कोशिश, और साफ साफ पीएम मोदी ही गारंटी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अलग अलग मंचों से यह साफ कर दिया है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति की बात हो, चाहे योजनाओं की बात हो, क्योंकि केंद्र की कई योजनाएं ऐसी हैं, चाहे वह उज्ज्वला योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, चाहे आगे किस तरह से रोड मैप तैयार किया जाए, इसको लेकर भी इस समिति में निर्णय तय किए जाएंगे। आपके पास लौटेंगे अजय। तो बीजेपी ने अपनी अब मैनिफेस्टो समिति को उसका ऐलान भी कर दिया है।